नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भूत भगाने के नाम पर मारपीट में 6 साल के बच्चे की मौत, माँ बाप और मौसी गिरफ्तार। नागपुर के कैनल रोड पर स्थित पुल का हिस्सा बहा, पुल के ऊपर की आवाजाही की गई बंद। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, हथकरघा निगम लिमिटेड के कपड़ों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। नागपुर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले सिद्धार्थ चिमने और उनकी पत्नी रंजना चिमने की 6 साल की बेटी थी। पिछले कुछ दिनों से लड़की लगातार बीमार थी और संस्कृत के छंदों का उच्चारण करती थी। उसके हाव भाव को देखते हुए माता पिता को शक हुआ कि उस पर किसी राक्षस का कब्जा है। इस दौरान उन्होंने मांत्रिक की मदद से बच्ची को इलाज के नाम पर पीटा। बच्ची मार सह नहीं पाई और दम तोड़ दिया। नागपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने माता पिता के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। 6 साल की बच्ची पर एक भूत का शक होने पर उसके माता पिता ने उसे भूतों के कब्जे से मुक्त करने के नाम पर उसकी पिटाई की। इस मारपीट में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में माता पिता और मौसी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भूत भगाने का उपाय बता रहे संदिग्ध धोखेबाज बाबा को भी हिरासत में ले लिया गया है। हत्यारे माता पिता के नाम सिद्धार्थ चिमने और रंजना चिमने है। दिलचस्प बात यह है कि माता पिता ने लड़की की पिटाई का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इससे पुलिस को कई बातें साफ हो गई है। ऐसे में अंधविश्वास के कारण जघन्य कृत्य करने वाले इन माता पिता को लेकर हर तरफ रोष व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले सिद्धार्थ चिमने और उनकी पत्नी रंजना चिमने की 6 साल की बेटी थी। पिछले कुछ दिनों से लड़की लगातार बीमार थी और संस्कृत के छंदों का उच्चारण करती थी। उसके हाव भाव को देखते हुए माता पिता को शक हुआ कि उस पर किसी भूत का कब्जा है। वे उसे एक फर्जी बाबा के पास ले गए। इस धोखेबाज की सलाह पर उसने उसका अलग अलग इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रवार से शनिवार के दरमियान रात चिमने दंपत्ति और लड़की की मौसी ने 6 साल की बच्ची को बेल्ट से बांधकर घर में भूत भगाने के नाम पर हाथों से पीटा। बच्ची से जोरदार पिटाई सहन नहीं हुई और वो गिर पड़ी। भयभीत माता पिता तुरंत उसे ले गए और अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। आरोपी माता पिता यही नहीं रुके, उनके पकड़े जाने के डर से उन्होंने बच्ची के शव को सरकारी मेडिकल अस्पताल परिसर में ही रख दिया और वहां से फरार हो गए। लेकिन उनकी कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और वहां के सुरक्षा गार्डों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने कार की तस्वीर खींची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल परिसर में एक बच्ची का शव पड़ा है। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जाँच की और इस बात की जानकारी हासिल की कि शव को यहाँ कौन लाया था। पुलिस ने उस कार के नंबर से आरोपी का पता लगाया जिसमें शव को लाया गया था। PI भिंताड़े, इन्हें ऐसी जानकारी मिली कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक 5 साल की छोटी बच्ची का डेड बॉडी उसके पेरेंट्स लेकर आए हैं और कुछ आगे की जो कानूनी प्रक्रिया न करते हुए ये माँ बाप वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जाके जब वेरीफाई किया गया तो ये बात समझ में आई कि जो माँ बाप हैं उन्होंने ये बच्ची की डेड बॉडी वहाँ जमा करके वहाँ से बहुत जल्दबाजी में ये निकले। वहाँ के जो सिक्योरिटी है उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची, उस फोटो उनकी गाड़ी की फ़ोटो खींची, उस गाड़ी की फ़ोटो को लेकर फिर आगे की छानबीन जब की तब समझ में आया कि उस लड़की के माता पिता है सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने और रंजना सिद्धार्थ चिमने, जिनको शाम को राणा प्रताप नगर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। जब इनका इंट्रोगेशन किया गया तब इनके मोबाइल फ़ोन में हमें कुछ वीडियो क्लिप्स मिली जिसमें इस 5 साल की बच्ची को बेहद बेरहमी से मारा पीटा जा रहा था और ये संदेहजनक परिस्थिति में इसकी मौत हुई है, ऐसा हमें अंदाज़ा है। आगे की जो छानबीन है वो चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद में इसके मृत्यु का एग्जैक्ट जो कारण है वो सामने आएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने, रंजना चिमने और प्रिया बंसोड़, इन तीनों को अरेस्ट किया है।
इनके इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया गया है कि 28 तारीख को, गए महीने में 28 तारीख को, ये एक बाबा से मिले थे, भूंदू बाबा से मिले थे, जिनका नाम शंकर बाबा है। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है, उनकी भी अरेस्ट की कायदेशीर प्रक्रिया चल रही है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें आगे के जो भी निकलेगा उसमें हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। पाँचपावली पुलिस को 4 अगस्त को एक जानकारी हासिल हुई थी कि एक व्यक्ति पोषण और प्रोटीन के नाम पर हानिकारक स्टेरॉइड इंजेक्शन और टैबलेट बेचता है। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर जांच आरंभ की और आरोपी के घर का पता लगाकर तलाशी ली। आरोपी के घर से स्टेरॉइड इंजेक्शन और टैबलेट बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। 4 अगस्त को मिली जानकारी के अनुसार पाँचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत कश्मीरी गली साई अपार्टमेंट में रहने वाला एक शख्स जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन का काम करता है, उसकी भी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट प्रीमियम नाम की एक दुकान है। ये व्यक्ति पोषण और प्रोटीन के नाम पर हानिकारक स्टेरॉइड इंजेक्शन और टैबलेट बेचता है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 3 के CIU के प्रभारी PSI जितेश आरवेली और उनके दस्ते के अधिकारी NPC विनोद गवई, PC अमोल मेश्राम, PC आशीष अम्बादे, PC राजेश के साथ डीबी स्क्वाड के PSI अविनाश जय भाई के साथ थाना पाँचपावली, खाद्य निरीक्षक शहनाज ताजिक के साथ कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के घर से स्टेरॉइड इंजेक्शन और टैबलेट बरामद किए गए हैं। जब उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हर्षपाल गुरुपाल सिंह बट्टा बताया, जिसकी उम्र 28 साल है और वह कश्मीरी गली साई अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 102 में रहता है। जब आरोपी से स्टेरॉइड के उपयोग के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि शरीर में स्टेरॉइड का उपयोग रक्त निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आरोपी ने बताया कि उसने उक्त दवा इंदौर से मंगवाई थी। जब आरोपी को हिरासत में लेकर थाने में लाया गया तो खाद्य निरीक्षक ने पूरी खेप का निरीक्षण कर शिकायत दर्ज की और उक्त मामले के बारे में पूछे जाने पर खाद्य निरीक्षक ने कहा कि उक्त स्टेरॉइड और इंजेक्शन की कीमत 2,80,000 रुपए है। साथ ही आरोपी का मोबाइल फोन भी कब्जे में लेकर कुल 3,20,000 रुपए का माल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। काल दिनांक 4 अगस्त रोजी आम्हाला तपास पथकाचे जे PSI अविनाश जायभाय आहे यांना एक माहिती मिळाली की काश्मीरी गल्ली येथे एक इसम जे मानवी शरीराला जे हानिकारक असे हार्मोनल इंजेक्शन्स आहे आणि काही मेडिसिन्स आहेत ज्या बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा करताना किंवा जे बॅन असलेले जे हे आहेत इंजेक्शन्स आणि मेडिसिन्स औषध तर तो अवैधरित्या स्वतःजवळ बाळगून आहे आणि तो चोरून असं लोकांना विक्री करत आहे त्या हार्मोनल इंजेक्शन्सची स्टेरॉइडची याबाबतची माहिती आम्ही आदरणीय DCP झोन 3 श्री गजानन राजमाने सरांना सांगितली। त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचंसुद्धा पथक पाठवलं आणि आम्ही त्यांचं पथक आणि पोलीस स्टेशनचं तपास पथक असं सगळ्यांनी मिळून काश्मीरी गल्ली येथे साई रेसिडेन्सी इथे रेड केली फ्लॅट नंबर 102 येथे। तिथे हर्षपाल सिंग गुरविंदर सिंग वट्टा वय 28 वर्षे हा SM तिथे मिळून आला। त्याला संपूर्ण कारण सांगून त्याच्या घराची झडती घेतली असता त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्टेरॉइड्स आहेत फॉर एक्झाम्पल स्टॅनिंग MA त्यानंतर फिनारेक्स किरोट्रोपिन त्यानंतर LR3 GHRP6 अँट्रोलिक त्यानंतर क्लेनब्युटेरॉल रेड ड्रॅगन अशा प्रकारचे वेगवेगळे स्टेरॉइड्स आहेत। त्यांची एकूण किंमत 2,83,000 रुपये अशी एकूण किंमत आहे। तर संपूर्ण स्टेरॉइड्स इंजेक्शन्स आणि औषधं आम्ही त्याच्याकडून जप्त केलेली आहे आणि त्याच्याविरुद्ध सदर कारवाईमध्ये जे औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी होते ते पण त्या कारवाईमध्ये हजर होते। तर आरोपीविरुद्ध आम्ही कलम 18A 18B 18C 27D 28A औषधी द्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 आणि त्याचप्रमाणे IPC कलम 328 या अंतर्गत आरोपीवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। आज रोजी सदर आरोपीला आम्ही न्यायालयात हजर करून त्याचा PCR। आज सुबह 8 बजे के करीब कॅनल रोड के पास एक पूल का कुछ हिस्सा ढह गया।
भारी बारिश के चलते इस पुल की संरक्षक दीवार ढह गई, साथ ही पुल का अंदरूनी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। इस पुल पर कोई अनहोनी ना हो इसलिए पुल के ऊपर आवाजाही बंद कर दी गई है। घटना सामने आ रही है। अभी मिली जानकारी के अनुसार बेसा रोड पर पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की वैन नाले में गिर रही है। इसमें 3 से 4 बच्चे जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है। बारिश की वजह से रास्तों की हालत खस्ता है, साथ ही नालों में भी पानी भरा हुआ है। सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पूर्व भंडारा की एक 35 वर्षीय महिला पर सामूहिक अत्याचार कर उसे जंगल में नग्न अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। उसका इलाज नागपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शिवसेना की 3 सदस्यीय समिति ने पीड़िता से मुलाकात की। शिवसेना विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे ने नागपुर गढ़चिरौली मंडल के विशेष महानिरीक्षक श्री संदीप पाटिल से मुलाकात की और ये निवेदन किया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। 5 अगस्त को भंडारा जिले में एक घटना सामने आई जहां 3 लोगों ने महिला से मदद करने के बहाने एक असहाय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया। गोंदिया जिले की रहने वाली 35 वर्षीय महिला को भंडारा जिले के करधा जंगल में ले जाकर 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद करधा थाने क्षेत्र में उसके बेहोश होने की घटना सामने आई। प्रताड़ना और अत्यधिक खून बहने से पीड़िता बेहोश है। फिलहाल उसका नागपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना दिल्ली की निर्भया कांड जैसी ही है। घटना के बाद शिवसेना विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे, सुषमा अंधारे और प्रवक्ता संजना घाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल 7 अगस्त को नागपुर के सरकारी अस्पताल में पीड़िता का हाल जानने और जांच की प्रगति जानने के लिए गया। नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मरीज के चल रहे इलाज की उचित जानकारी ली। उसके बाद जांच के सिलसिले में नागपुर गढ़चिरौली मंडल के विशेष महानिरीक्षक श्री संदीप पाटिल से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि उक्त पीड़िता को सरकार की मनोधाय योजना के माध्यम से तत्काल आर्थिक सहायता एवं परामर्श दिया जाए, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और पीड़िता को तत्काल न्याय मिलना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
इस अवसर पर नागपुर युवा सेना के जिलाध्यक्ष विक्रम राठौड़, किशोर कुमेरिया, नितिन सोलंकी, जिला समन्वयक वंदना लोणकर, जिला संयोजक रामटेक सहित जिले के महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। भंडारा गोंदिया में जो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस पीड़िता को हम मिलने नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर देखा कि वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। उसके साथ तीन या चार लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो वहाँ पर हम गए थे नागपुर मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर डॉक्टर से बात की, उसकी पूछताछ की, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ये सब बात हुई। उस पर एक शस्त्रक्रिया हुई है और भी दो तीन शस्त्रक्रिया करना बाकी है, तो ये भी पता चला। पुलिस के साथ बातचीत की हमने, DIG गढ़चिरौली संदीप देश पाटिल, इनसे हम मिले, और जो SP है मतानी, उनसे भी हम मिले, तो सारी परिस्थिति की जानकारी हमने ली, और उसके रिश्तेदारों के साथ भी बातचीत हमने की। एक बात तो ऐसी जो हमें बहुत आक्षेपार्य लगी कि एक तो जब कोई लोक प्रतिनिधि और किसी राजकीय पार्टी के पदाधिकारी जब मिलने जाते हैं, खास करके शिवसेना के हम जब मिलने गए, तो वहाँ पर हमें रोका गया। हमारे साथ जो स्टाफ है हॉस्पिटल का और खास करके पुलिस, इन्होंने बहुत ही हमें हम उनसे न मिले इस प्रकार की कोशिश उनकी थी, और पता भी चला कि उसको सिर्फ 30,000 रुपया जो मनोधैर्य योजना में से मिला। तो ये हमने मांग पुलिस के साथ भी ऐसी रखी है कि एक तो इसको कम से कम 2 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए, जो आरोपी है 3 या 4 तो उनको कड़ा शासन उनके साथ होना चाहिए, सख्त से सख्त उनको कायदा और कानून में जो कोई व्यवस्था है शिक्षा की वो मिलनी चाहिए, और उसको 10 लाख रुपया मुआवजा उसको मनोधैर्य योजना के अंदर, और ये जो इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, और इसके लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये स्पेशल कोर्ट की हमने मांग की कि स्पेशल कोर्ट करके इनको सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले, इस प्रकार की बात। सकाळी आम्ही अजनी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पीडितेला भेटायला गेलो होतो, मात्र ज्या पद्धतीने तिथल्या पोलीस कॉन्स्टेबल वनिता राऊत आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला भेटण्यासाठी मज्जाव केला, नातेवाईकांनाही बाहेर येऊ दिलं नाही, नातेवाईकांशी आम्हाला बोलू दिलं नाही, असं का करत आहात असं विचारल्यावर वनिता राऊत नावाच्या पोलीस कर्मचारी महिलेने आम्हाला सांगितलं की आम्हाला वरून ऑर्डर्स आहेत। या वरून ऑर्डर कुणाच्या म्हणून आम्ही DIG ऑफिसला गेलो आणि आम्ही तिथे संदीप पाटीलजी यांना भेटलो, पण संदीप पाटीलजी यांना हा सगळा प्रकार आश्चर्यकारक वाटला। त्यांनी इमिडिएट सीनियर API यांना फोन करून चौकशी केली, पण त्यांनाही हा प्रकार माहिती नव्हता। त्यानंतर आम्ही भंडाऱ्याचे पोलीस अधीक्षक मतानीजी यांनाही हा सगळा प्रकार सांगितला, त्यांनाही हे सगळं धक्कादायक वाटलं की अशा तर ऑर्डर कोणीच दिलेला नाही आहेत। आता प्रश्न असा निर्माण होतो की जर पोलीस अशा कुठल्याही ऑर्डर नव्हत्या तर महिला पोलीस कर्मचारी वनिता राऊत ही कुणाची ऑर्डर फॉलो करत आहे? मग त्या ऑर्डर भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या ऑर्डर्स आहेत का? मग जाणीवपूर्वक यामध्ये कुणीही बोलूच नये, प्रश्नच विचारू नये? बरं, आम्ही प्रश्न तरी काय विचारत आहोत? आमचा सरळ साधा प्रश्न आहे की भंडाऱ्याला गेली 6 दिवस पोलीस अधीक्षक हे पद रिक्त का होतं? एकीकडे 24/7 शिक्षक सेवेतलं हे खातं आहे, अशा खात्याचा जिल्ह्याचा सगळ्यात मोठं जे पद आहे हे पद 6 दिवस रिकामं राहणं हे महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेला धोक्यात आणणारी गोष्ट आहे, याकडे जाणीवपूर्वक हे सगळे लोक का दुर्लक्ष करत आहेत? आणि जर आज आम्हाला या पीडितेला भेटण्यापासून परावृत्त केलं जात होतं, 1 मिनिटासाठी आम्ही असा विचार करतोय की कदाचित पेशंटला इन्फेक्शन होईल म्हणून कदाचित आम्हाला अडवलं जात असेल, तर मग काल पीडितेला भेटण्यासाठी भाजपचे 10-15 लोक अचानक कसे काय आज जाऊ शकले आणि ते कसे बोलू शकले? मुद्दा क्रमांक 3,
मनोधैर्य योजनेचं नेमकं काय केलं गेलं याच्यावर आम्ही जेव्हा विचारणा केली तेव्हा DIG संदीप पाटीलजी यांनी आम्हाला सांगितलं की 30,000 मदत दिली गेली आहे, जेव्हा की FIR फाटल्यापासून ॲटलिस्ट 2,00,000 रुपयाची मदत जाहीर झाली पाहिजे, परंतु तीही मदत अत्यल्प पोहोचलेली आहे. मुद्दा क्रमांक 3, अकॉर्डिंग टू CRPC 164, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या समोर हे जबाब नोंदवले गेले पाहिजेत. ठीक आहे, पीडिता अत्यवस्थ होती म्हणून त्यांचे जबाब नोंदवले गेले नाही, परंतु जे आय विटनेस आहे, ज्याला आपण नेत्रसाक्षीदार म्हणतो, अशा नेत्रसाक्षीदारांचे जे जबाब आहेत ते अजूनही का नोंदवले गेले नाही, हे असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या सगळ्यांवरून तपास यंत्रणेमध्ये किती गहाळपणा चालू आहे हे तर लक्षात येतच, परंतु यातल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं देताना पोलीस प्रशासनातील सन्माननीय अधिकारी यांची सुद्धा काही ठिकाणी अडचण होत होती, कारण ज्या जिल्ह्याला पोलीस अधीक्षकच नाहीत त्यावर अगदी 5-7 तासांपूर्वी रुजू झालेले पोलीस अधीक्षक काय बोलतील, हाही सगळा माझी विनंती असेल माननीय मुख्यमंत्री आणि द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाला की कृपया तुमचं सगळं जर घुमून फिरून झालं असेल, डोंगर झाडी हॉटेल या सगळ्यांचा आस्वाद घेऊन झाला असेल, तर किमान या महाराष्ट्राच्या लेकी बहिणी सुरक्षित राहण्यासाठी तरी एक गृहमंत्री नेमा. महाराष्ट्राच्या या सगळ्या लेकी बहिणी आणि मुलाबाळांच्या सुरक्षिततेसाठी तरी एखादी महिला बालकल्याण मंत्री बघा जमलं तर. भलेही ते तुम्ही कुणालाही द्यावं त्याचा काही मुद्दा नाही, ते कुणीही वाटून घ्या, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, पण महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचं राज्य असावं याचा तरी विचार करा. इतका गलिच्छ राजकारण आणि गलिच्छ सत्ताकारण असू नये की त्यामध्ये मानवी संवेदनात सगळ्या बोथट पाडा. 8वे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन सिव्हिल लाईन्स नागपूर में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त कार्यालय, बुनकर सेवा केंद्र नागपुर द्वारा किया गया था. इस अवसर पर बुनकरों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. इस समय महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के कपड़ों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए. हथकरघा दिवस के मौके पर इस कपड़े पर विशेष छूट भी दी गई. 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन सिविल लाइन्स नागपुर में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त कार्यालय, बुनकर सेवा केंद्र नागपुर द्वारा किया गया था. कार्यक्रम का उद्घाटन बुनकर समाज सेवक ओम प्रकाश पथराबे, सहायक निदेशक प्रभारी केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर हंसराज राउत, बुनकर सेवा केंद्र नागपुर के सहायक निदेशक महादेव पौनीकर ने दीप प्रज्वलित कर गणेश जी की पूजा कर किया. बुनकर सेवा केंद्र नागपुर के सहायक निदेशक महादेव पौनीकर ने भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं और बुनकरों के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर बुनकरों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. हथकरघा के प्रयुक्त सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया. परीक्षा के समय बैग में मोबाइल रखना भी अब मुश्किल हो गया है. फिरियादी छात्र ने परीक्षा के समय अपना मोबाइल फोन बैग में रखकर बैग परीक्षा रूम के बाहर रख दिया था, लेकिन जब परीक्षा के बाद देखा तो बैग से मोबाइल चोरी हो गया था. फिरियादी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कुल 1,55,000 का माल जब्त किया है. फिरियादी ने अपनी परीक्षा के समय अपना फोन बैग में रखा था और बैग परीक्षा रूम के बाहर रखा था. जब परीक्षा देकर वापस आकर देखा तो बैग में मोबाइल ही नहीं था. फिरियादी ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच आरंभ की और आरोपी को कब्जे में लेकर उसके पास से चोरी किए गए 4 मोबाइल और चोरी करते समय इस्तेमाल की गई मोटरबाइक ऐसा कुल 1,10,000 रुपये का माल जब्त किया गया. आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुछ मोबाइल फोन इस घटना में शामिल अन्य आरोपी को बेचे हैं. पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से कुल 85,000 का माल जब्त किया है. ऐसे दोनों आरोपियों से कुल 7 मोबाइल और इस्तेमाल किया गया वाहन मिलाकर 1,55,000 रुपए का माल जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है. 6 अगस्त को विधायक राजू पारवे के जनसंपर्क कार्यालय उमरेड में शिवसेना महिला पदाधिकारी ने कांग्रेस पक्ष में प्रवेश लिया. इस अवसर पर विधायक राजू पारवे ने महिलाओं को अपने भाषण से प्रेरित किया. विधायक राजू पारवे के काम से प्रेरित होकर उमरेड शहर, राकांपा और शिवसेना की महिलाएं कांग्रेस में शामिल हो गई. इस मौके पर विधायक राजू पारवे ने महिलाओं को उत्साहित किया. उन्होंने कहा कि अगर आपको समाज में काम करते समय कोई भी समस्या आती है तो मैं आपके साथ हूँ. महिलाओं को एक साथ आने और मिलकर काम करने की जरूरत है. बढ़ती महंगाई का विरोध करने का काम भविष्य में करना होगा. इस समय
योगिता राजू वैद्य उपाध्यक्ष नागपुर ग्रामीण महिला शिवसेना कल्पना व्यकटजी हवेलीकर माजी शहर अध्यक्ष महिला राष्ट्रवादी सुनीता चंद्रकांत हुटान शिवसेना सविता भुरे सामाजिक कार्यकर्ता प्रसन्ना मुकेश गुज्जरकर मंगला माजरीकर संगीता रामेश्वर बनकर सरिता काशीनाथ हेडाव संगीता विलास भनारकर अर्चना अविनाश राउत मीनाताई नरेंद्र झोड़े नंदा जनार्दन भारसागळे उषा मूलचंद सदावर्ती आशा अंकुश पाटील लीलाबाई श्रीकांत सातव अनिता बबन घाटे नंदा शंकर शिरपुरकर एविना हरिदास फुलजेले इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। इस समय शहर अध्यक्ष कांग्रेस सुरेश पौनीकर माजी नगर सेवक राजेश भेंडे और युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।